वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट इंस्टेंट कढ़ाई बनाते हैं, मज़ेदार सी मसालेदार, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। देखिए हमारे पास यहाँ पॉट है, उसका हम चूल्हा ऑन कर देते हैं, मीडियम पे रखते हैं, बहुत झटपट बनाएंगे इंस्टेंटली। तो चलिए यहाँ तेल डालते हैं जो कि अराउंड 6 टेबलस्पून के आसपास डाल देंगे। जब तक हमारा तेल गर्म होता है, जब तक हमारे पास यहाँ देखिए एक मीडियम प्याज है, उसको हम काट लेते हैं, बारीक बारीक से काट लेंगे क्योंकि हमें बहुत जल्दी बनाना है ना। तो ये थोड़ा सा इस तरह से स्लिट कर लेते हैं और ये काट लेंगे। सेम इसी तरह ये भी काट लेंगे। अक्सर मुझे लोग कहते हैं कि भाई मसालेदार कढ़ाई बताएं, कढ़ाई ऐसा इतनी महंगी पड़ती है कि ढेर सारा गोश्त चला जाता है और मसाला नहीं होता, पेट ही नहीं भरता है। मुझे ख़ुद को मसालेदार कढ़ाई इतनी पसंद है, अगर आपने मेरी डिफरेंट किस्म की मसालेदार और अलग अलग किस्म की कढ़ाई नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगी, आप लोग देखिएगा मज़ा आ जाएगा। और वो अक्सर लोग कहते हैं ना कि आपकी फेवरेट आइटम क्या है, तो मेरी वन ऑफ द फेवरेट आइटम में कढ़ाई भी है। चले ये तेल हमारा गर्म हो गया है, इसको हम डाल देते हैं। चूल्हा हमारा मीडियम हाई है। बेसिकली हमें इसे ब्राउन नहीं करना है, सॉटे इतना करना है कि ट्रांसलूसेंट टाइप की हो जाए, सॉफ्ट सी हो जाए। यहाँ देखिए हमारे पास कुछ हरी मिर्चें हैं, जिसमें से बड़ी वाली जो है वो इस वक्त मैं काटूंगी, स्लाइस कर लेंगे और इसको डाल देंगे अब प्याजों के साथ। साथ ही डाल देंगे यहाँ आधा टीस्पून नमक ताकि प्याज हमारी सॉफ्ट हो जाए अच्छी सी। ये यहाँ सॉफ्ट हो रही है मज़े से, जब तक हम अपना हरा धनिया, हरी मिर्चें और अदरक काट लेंगे। ये देखें हरा धनिया है, अब यहाँ देखें हरी मिर्चें हैं, तो इसको ये थोड़ी छोटी वाली है तो इसको हम थोड़ी लंबाई में यूँ काट लेंगे बस इस तरह से। और यहाँ अदरक है, इसको भी मैंने छील के रखा है, इसको जूलियन काट लेंगे। बिना अदरक के तो कढ़ाई अधूरी है। अब इन सबको मिला देंगे और इस तरह से जूलियन काट लेंगे। देखिए ये बारीक बारीक सी हो गई। और यहाँ देख लेते हैं हम अपनी प्याज़ों को, देखिए प्याज़ें अच्छी सी सॉफ्ट हो गई है। अब इसमें हम डाल देते हैं 1 टेबलस्पून भर के अदरक और 1 टेबलस्पून भर के लहसुन का पेस्ट। इसके साथ बस 30 सेकंड भूनेंगे। अब इस पॉइंट पर जब हमारे लहसुन अदरक प्याज़ें सब बड़े अच्छे से भून गए हैं, इसमें हम कुछ मसाले डालेंगे जो कि कुछ यूँ है, 2 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर, 2 टीस्पून कुटी हुई मिर्चें, 2 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 2 टीस्पून जीरा पाउडर, 2 टीस्पून धनिया पाउडर, ये सब चला जाएगा इसमें। साथ ही इसमें हम डालेंगे 4 टेबलस्पून दही। देखिए चूल्हा मीडियम हाई पे है, प्याज़ें खूब गर्मा गर्म थी, मसाले जब डाले तो मसाले जले, उससे पहले ही हमने साथ साथ दही भी डाल दिया, तो वो कॉम्बिनेशन के साथ
उसको एक लिक्विड की ज़रूरत थी गर्मा गर्म में। ये देखिए कितना अच्छा झटपट भुन गया और तरी भी आ गई। अब जो हमारा आधा टीस्पून हमने नमक डाला था प्याज़ों पे, तो आधा टीस्पून अभी डाल देंगे। और यहाँ हमारे पास आधा कप टोमेटो प्यूरी है, वो डाल देंगे। अगर आपने मेरी टोमेटो प्यूरी की रेसिपी नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक यहाँ देती हूँ। जब टमाटर सस्ते हो और अच्छी क्वालिटी के हो, बना के रखेंगे, आपकी लाइफ सेविंग हो जाएगी, मज़ा आ जाएगा। और अगर अभी नहीं है आपके पास, तो बड़े बड़े दो अगर टमाटर है तो उसको ग्राइंड कर लें, या छोटे छोटे चार छः हैं उसको कर लें। तो चलें ये अब हम डाल देते हैं इस पॉइंट पे। चूल्हे को अब हम कर देंगे मीडियम। और यहाँ देखें हमारे पास एक टेबलस्पून कसूरी मेथी है, ये डाल देंगे। थोड़ा हाथ से क्रश कर देंगे। डल गई कसूरी मेथी, और अदरक के बगैर मज़ा ही नहीं आएगा कढ़ाई का। चलें अब इसमें हम डालेंगे आधा बड़ा वाला लेमन। कितना जूसी था, अराउंड ये होगा दो टेबलस्पून के आसपास। और अब इसमें हम डालेंगे चार टेबलस्पून पानी। यहाँ हमारे पास जो पड़ी हुई है हरी मिर्चें, ये डाल देंगे। आधा हरा धनिया डाल देंगे, आधे से ज़्यादा डाल देंगे, और थोड़ी सी आधी अदरक डाल देंगे। और यहाँ हमारे पास है हीरो जो है वो लास्ट में आ रहा है। एंट्री हमेशा हीरो की पहले होती है। हमने झटपट बनाने के लिए 10-15 मिनट के अंदर अंदर बनाने के लिए गोश्त को हमने उबाल लिया था सिर्फ एक टीस्पून नमक डाल के। यहाँ गोश्त है 700 ग्राम यानी 1.5 पाउंड के आसपास। अगर पतीले में उबालेंगे तो 35-40 मिनट्स में उबल जाएगा, क्योंकि उबालना है ना, पकाने में टाइम लगता है। इंस्टेंट पॉट में बनाएंगे तो अराउंड ये बन जाएगा 7 मिनट्स में उबल जाएगा। और कुकर, आपके कुकर को आप जानते हैं तो उस हिसाब से मैं तो क्या करती हूँ पता है, अगला पिछला उबाल के फ्रीज़र में रख देती हूँ। फिर कभी जब अर्जेंसी होती है ना तो ये कढ़ाई बनाती हूँ इंस्टेंट, तो ये चला जाएगा उबला हुआ गोश्त इसमें। ये हमारा फुल डन ही है। बस इसे हम 1-2 मिनट तक भूनेंगे। चले ये हमने इसे 2 मिनट भून लिया है। अब इसे हम मीडियम पे रखेंगे, मीडियम लो पे, मीडियम टू मीडियम लो के दरमियान दम पे लगा देंगे फॉर 2-3 मिनट्स। देखिए 2-3 मिनट हो गए हैं, खुशबुएं ख़तरनाक आ रही है। चूल्हे को करते हैं बंद और आपको खुशबुएं देते हैं। ये चले अब डिश आउट करते हैं। चलें इसको गार्निश कर लेते हैं हम अदरक से, जूलियन अदरक से और थोड़ा हरा धनिया से। तो देखा इंस्टेंटली हमने कैसे झटपट कढ़ाई गोश्त बना लिया, मानते? और अब मैं ट्राई करती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ कि लग कैसा रहा है। मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है, आप लोग को छोड़ छोड़ के खा रही हूं। कातिल लाना खतरनाक। और मेन चीज तो ये होता है एक बोटी लो ढेर सारा मसाला रोटियों के साथ, नान के साथ, चावलों के साथ, तो हम मज़े का लगता है। और ये इतना इंस्टेंटली, आप कभी भी जब गोश्त आता है ना उबाल के बस फ्रीज़र में रख दें, पैकेट बाहर निकालें, मसाला भूनें
डाल दे, लाइफ सेट हो जाएगी। आप लोग के लिए एक बाइट बनता है फिर, वरना आप कहेंगे कि देखा आज नहीं खाया, इतना मजे का था। मसाले इतने परफेक्ट हैं, गोश्त गला हुआ एकदम एवरेज, सबको कढ़ाई तो पसंद आता ही है। मसला सबका यही होता है कि भाई मसाला इतना कम होता है, पूरा ही नहीं पड़ता है, खाने वाले ज़्यादा होते हैं, मसाला ऐसा चिपका चिपका सा बनाते हैं। और ये ढेर सारा मसाला आप लोग बनाएं, खूब मज़े करें, धमाल मचा दें। चलिए चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल फन और ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।